अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हम लोकसभा का जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे। घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं पोस्टर पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें ओपी राजभर को दगे हुए कारतूस बताया जा रहा है, तो कहीं शिवपाल यादव को टाइगर। लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने अपने मंत्री बनाए जाने के सवाल पर बमक कर कहा कि क्यों नहीं बनूंगा, मैं जरूर मंत्री बनूंगा। हालांकि घोसी उपचुनाव हारने के बाद पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैमरे के सामने आए और इस मुद्दे पर बोले, यह सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और हार की समीक्षा पार्टी करेगी, और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हम लोकसभा का जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे, तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी, तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है। जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी और कमल खिल जाएगा। तो आपने सुना, डिप्टी सीएम इस बात को मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी कुछ ज्यादा ही घोसी उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन अब बीजेपी बैठकर अपने इस हार की समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 33 राउंड के चले इस मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।